जिस रियासत पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारी एक दुहाई अरसा दराज से है कि हम हकूक से महरूम लोग हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे वसाइल को लूट कर आप अपनी ऐशाइशियों का सामान तो करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की और सियासी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठ के अपनी नस्लों के लिए महलात तामीर करें, उनके लिए बड़े बड़े मिल फैक्ट्रियां और कारखाने लगाएं, कारोबारों पे कब्जे करें। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस खित्ते का वो लोग या वो नस्लें, हम अपने बच्चों की दुआई देते हैं कि जिनके पेटों के ऊपर लात पड़ती है और उनका नवाला छीन के ये इशराफिया अपनी अय्याशियों में सर्फ करता है, ये नाइंसाफी वो इस हजारा रीजन के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो, हमें ना पाकिस्तानी की हैसियत से कबूल है ना मुसलमान की हैसियत से कबूल है। और उसके खिलाफ हमने हमेशा बात भी की, गफलत से जाग जाओ, जागो जरा जागो, खाब से जागो लोगो, जो जुबानों पे है ताले इन्हें तोड़ो लोगो, गूंज बन जाओ और इस जोर से बोलो लोगो, तुम जो बोलोगे तो कांप उठेगी अदालत सारी, सफाए दहर से जुल्मत को मिटाओ लोगो, जागो जरा जागो, ख्वाब से जागो लोगो, ये हमारे जागने का वक्त है। हम अगर अब नहीं जागेंगे और इस मौजूदा सदी और इस टाइम के ये जो बुजुर्ग, ये जो दोस्त, ये जो अवामी फलाह के लिए आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, खुदा की कसम हम लोगों के चेहरों पे मट्टी पड़ गई तो हम ये सोचें कि हमारी नस्लें उठ के अपने हकूक छीन के ले लेंगी, ये हम सब की भूल है। हम ख्वाब गफलत के अंदर रहते हैं, हमारी नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी, हमारी नस्लें गुंगी और बैरी पैदा होंगी। ये वक्त है, अभी उठे अपने जज्बात का इजहार करें। ये रियासत हमें ताकत से नहीं दबा सकती, ये रियासत हमारे सरों के ऊपर कायम है, हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं इसके लिए, लाखों अस्मतें कुर्बान हुई हैं इसके लिए। ये इशराफिया की अय्याशियों के लिए नहीं बनाया गया था पाकिस्तान, दो ममालक के दरमियान एक बरसगीर के अंदर नजरिए की बुनियाद पे एक लकीर खींची गई, उसकी एक वजह थी कि दो कौमी नजरिया, एक हिंदू का और एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। इस खित्ते के अंदर ये जो दमतोड़ में आज बैठा हूँ, बताएं यहाँ पे हिंदू रहते थे कि नहीं? कभी ऐसे हुआ कि आपने उनके घरों पे चढ़ाई की हो? कभी ऐसे हुआ कि उनके साथ जुल्म सितम हुआ हो? क्योंकि वहां पे आप ये समझते थे कि ये मुसलमानों का मुल्क है, हमारी अक्सरियत है। लेकिन हमने अंग्रेज से आजादी हासिल करने के चक्कर में ये जो काले अंग्रेज अपने सर पे मुसल्लत किए, अब इनको उतारने का वक्त है। अगर अभी भी नहीं जागोगे, अभी भी नहीं बोलोगे, तो कोई तुम्हारा परेशान हाल नहीं होगा पाकिस्तान के लोगों। आज बिलों का मसला है, इस महंगाई का मसला है, हमारे सफेद पोश तबके की जो जिल्लत और रुसवाई बनी हुई है उसको बेस बना के उठो और इस पाकिस्तान के कोने कोने में फैलने की कोशिश करो, इस आवाज को उठाओ। सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, ये जितने नौजवान आजकल बुजुर्ग भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, ये फजूल नहीं है। इस रीजन का 8 लाख कंज्यूमर महाना 8 अरब रुपया पिशावर को देता है और पूरा पिशावर बनू मर्दान रीजन मिलके 7 अरब रुपया पूरा नहीं कर सकते। माना हमारा यहाँ से टैक्स जाता है तो उनकी तनख्वाहें निकलती हैं। हम ये कहते हैं हजारेवाल कौम से, अपने बिल रोक लो, इनको पैसे मत दो, रोक लो, उनकी तनख्वाहें रुकेंगी, ये पिया जाम होगा, ये रुकेंगे सारे, ये घुटने टेकेंगे, ये हमारे मुतालबात मानेंगे इंशाल्लाह। जिस वक्त इस शहर भर से जो एक्शन कमेटियां बन रही हैं उनके अंदर जो भी लाए अमल तैयार होता है वो हमारी कमेटियां मुकम्मल होती हैं, हम इज्तमाही काल देंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर आप तमाम एहलियान से सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आपने ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, ये देखे कि क्या कह रहा है। अगर आपके हकूक की बात कहने वाले लोग मैदान में मौजूद हैं तो आप उनकी कमर पीछे आके खड़े हो जाएं। ताशी भाई ने बोला कि जेले हम देखेंगे, मारे हम खाएंगे, हम इनके गुलाम नहीं हैं, हम क्यों मारे खाएंगे? वो एक मारेंगे, हम 3 मारेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह एबटाबाद से ये तहरीक उठने वाली पूरे पाकिस्तान में फैल गई है और इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि जब हम अपने हकूक ले लेंगे।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बिजली के बिलों में टैक्स लगाए गए हैं, ये जो बिजली महंगी की गई है, इसका फायदा किसको है? इसका फायदा इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को है, इस मुल्क के सियासतदानों को है, इस मुल्क के हुक्मरानों को है। और वो क्यों है कि एसी से लेकर सेक्रेटरी तक उसके घर की बिजली मुफ्त, उसके दफ्तर की बिजली मुफ्त, उसके बच्चों की बिजली मुफ्त, उसकी मेडिकल सिर्फ मुफ्त, उसका खाना पीना गाड़ियों का पेट्रोल तक मुफ्त, और सिर्फ एक वापडा के जो अफसरान हैं 5.5 अरब रुपए की वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। मेरे यहाँ पे स्कूल के टीचर बैठे हैं, हमने भी स्कूल पढ़ा है, कभी देखा है कि हमारे हेडमास्टर को कभी फ्री गाड़ी मिली है? उसको पेट्रोल फ्री मिला है, उसको बिजली फ्री मिली है। अगर सोचा जाए तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो होते हैं, मगर मुहल्लमों को और अवाम को वो सहूलत नहीं देना चाहते। वो सहूलत सिर्फ इन अय्याशिया के लिए है। और फिर ऊपर से हमें आयतें पढ़ के बताते हैं कि तुम सब्र कर लो, कहते हैं कि नहीं कहते? अब असूल ये है कि सब्र हम करें तो सब्र आप भी करें। हम 75 साल से कुर्बानियां दे रहे हैं, आप हमारे टैक्सों पे पल रहे हैं, अब आपकी बारी है कि आप सब्र करें। ये अवामी एहतजाज शुरू हुआ है, तुमने अपनी गाड़ियों से सब्ज नंबर प्लेटें उतार दी हैं, वो वक्त करीब है कि हम तुम्हारे, जिस तरह हमारे कपड़े उतर रहे हैं मैदानों में, तुम्हारे कपड़े हम उतारेंगे। आईने पाकिस्तान इस बात का हमें हक देता है, आर्टिकल 16 ये बात कहता है कि हम पुरमन एहतजाज कर सकते हैं, आर्टिकल 25 और 38 ये कहता है कि तमाम पाकिस्तानियों के हकूक बराबर हैं। ये हम अब तस्लीम नहीं करेंगे कि इस मुल्क के हुक्मरान और जो बदमाशियां है वो अय्याशियां करे और सारी कुर्बानी हम दें। हम ये कुर्बानी अब नहीं देंगे। हम ये ऐद करते हैं कि इस महीने के बिल के बारे में जिस तरह इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे फिर ये ऐलान करूंगा कि अगर किसी ने बिल जमा नहीं कराया तो खुदा की कसम, अगर कोई वापा वाला उसका मीटर काटने को आया तो हमें फोन करेंगे, हम इंशाल्लाह मैदान अमल में निकलेंगे कि कोई वापा का मुलाजम हमारा मीटर नहीं काट सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यह कानून में शामिल नहीं है कि वो हमारा मीटर काटे। अगर वो मीटर काटे तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम नवांशहर थाना में FIR कराएंगे, अगर उसने न की तो सीशन जज के पास जाके उसके खिलाफ FIR कराएंगे इंशाल्लाह। ये कानून आपको बता रहा हूं। और दूसरी बात कि 10 से 15 दिन बाद जिस तरह नवांशहर एक्शन कमेटी ने, ये मुख्तलिफ एक्शन कमेटियां बुला रही है, उसके अंदर एक ग्रेड जिरगा होगा, उसमें इंशाल्लाह हम काल देंगे। वो काल सिविल नाफरमानी की भी हो सकती है, वो काल हजारा जाम करने की भी हो सकती है, और वो काल हर सूरत में अगर इस गवर्नमेंट ने ये टैक्सेस खत्म न किए, ये बदमाशी खत्म न की, तो हम बिजली के बिल किसी सूरत में अदा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अवाम अब जाग चुकी है, अब सिर्फ एक बिजली के बिलों पे बात नहीं होगी, अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, अब गैस के बिलों पे भी होगी। और जिस तरह इन्होंने कहा है यहाँ पे आदल खान ने, मैं पब्लिक हेल्थ वालों को बता देना चाहता हूँ कि दम तोड़ की तरफ रुख न करना, अगर रुख किया तो फिर अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे आना। हम जिम्मेदार नहीं है, हम भी वही करेंगे जो दम तोड़ के नौजवान आपके साथ करेंगे। अगर आज हम बाहर नहीं निकले, अगर हम आज इन जुल्माना टैक्सेस के खिलाफ अपने एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। वो इसलिए कि आज हर एक शख्स आटे तक महरूम हो गया है, वो आटा घर को लेकर जाए या बिजली का बिल पे करे। आपने बच्चों को तालीम दे उनकी फीसें से या आपके बिल अदा करे। तो मेरी अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि जितना क्राउड में बैठा हुआ है इंतहाई पुर अमन क्राउड है, इंतहाई सिविलाइज तरीके के ऊपर यहाँ पे बैठा हुआ है, हमारे सफर का इम्तिहान ना लिया जाए, हमें हमारे ऊपर उतना ही बोझ डाला जाए जितना हमारी सकत है। अगर हमारी सकत से ज्यादा बोझ डालोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप खुद फेस करोगे।
करो। फिर ये जो सिविलाइज क्राउड आपको नजर आ रहे हैं, ये में सिविलाइज क्राउड नहीं होगा। इसकी तमाम तार जिम्मेदारी आप पर आए होगी।